ये दरमियान में हमारा रहता ये इदारे को वो इदारे को, इसमें क्या भी ताल्लुक नहीं है। ये तो उसका जवाब जो है, जो स्टेटमेंट हमारा अनवर मालिक साहब जो है मानपाड़ी मुझे बोलना नहीं होता। अब ये जो इदारा तनवीर सेठ तुम ना बोले, ये इदारा जो है 1907 का, वो तो पूरी स्टोरी बोल दिया तनवीर सेठ साहब, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो ये इदारा यहाँ तक का मैं बोलिया, इसके बाद जो है अब प्रेस आई के बाद ये रिफावल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का नहीं बोला तो अच्छा नहीं होता है ना। ये इंतशा इतना पैदा हो रहा है, सब हो रहा है इसमें की तो मेरा रोल भी बहुत है उसमें। मैं अजीत सेठ के साथ 25 साल था, अब तनवीर सेठ साल 20 साल 40 पान गुजर गया, हमारे चांद साहब मेरे से भी 5 साल सीनियर, हमारी एक टीम थी वो टाइम, ताज मोहम्मद खान साहब, चांद साहब, गफ्फार खान साहब, अन्नू साहब, हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब, हमें सब अजीत सेठ के अध्यक्ष। जब क्या होगा ये अजीत सेठ के रहते परिचय ये बहुत टेंशन चलता है ट्रस्ट में। एक टाइम अजीत सेठ राजीनामा दिए मैं फाड़िया, एक टाइम ताज नाराज मोहम्मद राजीनामा दिए फाड़िया, ये ट्रस्ट यहाँ सब चलता था। बात जब तनवीर सेठ MLA हुए उसके बाद उनको वहाँ मेंबर बनाने की बहुत कोशिश करी मैं, जब कौन भी जो है लेने को तैयार नहीं रहे ट्रस्ट के अपने, जब तनवीर सेठ बोल दिए मुझे नको हमें चेक अलग बनेंगे, ये मामले में इंटरफेयर करना नको कहे छोड़ो भी रखो, खामोश हो गया। जब उसके बाद में क्या कि वो बिल्डिंग बनने करने करके लोन लिए मालूम हुआ पेपर से ना, अब बोल रही मगर वो लोन लिए के बाद जो है सब मेम्बरों को मालूम है, वो 1 से 10 टाइम कलाटा हो को है, उसके बाद 10 करोड़ रुपए करके बोल को आगा सब मेम्बरों को आया, हमें सब मेम्बरों को बोली कलाटा करी, इंसाफ से बोली हर सदस्य। जब ये 10 करोड़ का इनको आगा एक फर्स्ट 2011 में पहली मरतबा मालूम हुआ पूरे मेंबरों को। जब मैं खुद बोल रहा हूँ सब मेंबरों को बोलूँ मैं, अजीत सेठ की इज्जत नीलाम होती है, तुम्हें एक मीटिंग बुलाओ, सेक्रेटरी नहीं बुला रही, सदर बुलाओ, नायब सदर बुलाओ, कौन भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। अब बोल रही मंजे मालूम नहीं तीजे मालूम नहीं, मैं बोलिया तू बोलिया, ये सब गलत, इसके पूरे हकदारा सब भी। खैर अब हो को है वो कानून ही है। ये दरमियान में ईदगाह बाउंड्री माटी कैच करी को मालूम हुआ, जब इसमें तनवीर सेठ साहब वर्क बोर्ड वाले सब इन्वॉल्व हुए, उसमें हमारा रहमान खान साहब भी इन्वॉल्व हुए, जब मालूम हुआ ऐसा ईदगाह से हट गए ना, ईदगाह से हट को क्या करें, यहाँ जो CA सेठ थी वो CA सेठ माटी कैच करे, सुनो जरा सुनो, CA सेठ करे के बाद क्या करे ना, ये अंडेशा वाले ये कोसी के वाली यहाँ इस सब नहीं क्या भी बोले नहीं, CA सेठ दिए इन अजीज सेठ के रहते परिच। मैं खुद एक वकबोर्ड डिस्ट्रिक्ट वकबोर्ड मेंबर था, मैं हिमायन सिद्दीकी चेयरमैन थे, हमारे वहाब खान साहब हमारे बल्लारी वाले वो स्टेट बोर्ड चेयरमैन थे, वो टेम्पो चाहिए गलाटा हो को इंक्वायरी को आया, जब वहाब खान साहब मांझे आको घर को बुला लग जाको अजीज सेठ के घर में बैठ को, अजीज सेठ खाने का इंतजाम करको दोपहर को, ताज मोहम्मद खान को बुला को लेटर दिए, वो 11 दुकाना जो है अंडेशा वाली के, और वहाँ अंडेशा वाली का बोर्ड भी डाले, बोर्ड भी था वहाँ, वो डाले के बाद जो है वो बोर्ड को दे दिए। इन्हों जब लोन लेने का था जो CA सेठ बोला वहीं, वो बोर्ड निकाल डाले, वो बोर्ड निकल गारा कर डाले, वहाँ एक रूम बन डाले है, जाको देखो वहाँ। बाद में क्या बोल डाले हमें
देखोशनी लेकोशनी एक टाइम हमें दी कर को बोले बाद एक लेटर बोर्ड को गया हमें देखो नहीं कर को वो उन्होंने जवाब जमा सो हमें। अब जो मसला आया उसके बाद में जो है चंद उसके बाद में जो है फिर ये मामला ठंडा होगा। फिर अनवर माल क्या जी वो पानी हाँ उनो साहब जो है उनो साहब फिर इंक्वायरी को भाई वो जब तनवीर सेठ मिनिस्टर थे तनवीर सेठ तब भी बोलिया क्या भी तुम्हारा बाबा का ऐसा आ रहा है हमें बाबा के आशिक ना उबेदुल्ला शरीफ साहब चांद साहब हम सब आशिक हाँ वही तुम्हें चुपके रहो ये सब चीज़ें जवानों को चुपके ऐसा ऐसा को मुझे अवेट करते हैं मैं जरा गुस्सा भी करता। इसके बाद फिर ये आई के बाद फिर बोर्ड में इन्वॉल्व हुए होए के बाद क्या हो गया ये सब्जेक्ट आया वक्फ बोर्ड में सब्जेक्ट आपको क्या होगा जब हमारे आरिफ में के साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहे जब ये कागजात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्टेट बोर्ड सब चले चल को जो है एक मीटिंग पूरी मीटिंग हुई हम ना मालूम है उसमें हमारे रहमान खान साहब भी थे को मालूम है वो मीटिंग में एक वैल्यू बने उसकी अंडे शाहवाली की जगह की वैल्यू बने वैल्यू बन को इतना अमाउंट देना अमाउंट नहीं दिए तो एक एकड़ चार कुंटे देना एक एकड़ चार कुंटे दे डाले इन्होंने ले लेको इन्होंने रजिस्टर कर लिया वो बड़ वाले ले के बाद अब भी इन्होंने क्या बोल रही मैं नहीं दिया मैं नहीं लिया मुझे मालूम नहीं करी सब पक्का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट देखो ही ये सब तुमने मालूम हो रहा और ये मामले में जो है वफ के मामले में अजीज सेठ साहब उन्होंने 80 से मैसूर को शाही मस्जिद लियो खाकिशा मस्जिद लियो याला मस्जिद लियो मस्जिद अखिल लियो ये सब तामिर अजीज सेठ और उनके वालिद सत्तार सेठ जिंदगी वफ करे सुनो भी यतीम खाने भाई को बच्चा को वो ला के ईट भी लाको बनने वाले